तो आपको आपको दीपक भाई, आपको लगता है कि आपकी जितनी शिकायतें होती थी जगजीत सिंह साहब से, या जो जो भी आपने अपनी बात रखी, उन्होंने आपको ये स्पेस भी दिया हमेशा कि आप अपनी बात रख सकें, और आपकी बात को जहां भी उन्हें सही लगा उन्होंने माना भी। वो बहुत आसान था, वो कह सकते थे हो सकता है आप जितना गुणी वायलिन वादक उनको नहीं मिलता, दूसरा मिल जाता, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा आपकी कला की कद्र की। यहाँ वायलिन की बात ही नहीं हो रही सर, जी यहाँ बात हो रही है प्रिंसिपल की, एटिकेट्स की, मैनर्स, मैनरिज्म, मैनर्स की, और अपना जो एक सबसे बड़ी चीज़ संगीत की, तो उसके ऊपर तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई भी आ जाए कुछ भी नहीं है। वो सा को अगर बोलेगा कि नहीं बोलो तो मैं कभी मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तो वो था एक रिश्ता, और एक सर एक अजीब सा एक रिश्ता था हम दोनों का, अजीब सा रिश्ता था। बहुत झगड़ा हुआ, कुछ कुछ टूर्स ऐसे हुए हैं जिसमें महीनों महीनों भर हमने बात नहीं की एक दूसरे से, और स्टेज शेयर कर रहे हैं साथ में, वो भी हुआ है, सब कुछ काफी कुछ हुआ है। मतलब क्या बताऊं सर, अगर मैं डे वन से लेकर के 2011 तक कभी पैसे की बात नहीं हुई, कभी नहीं। और अगर कसीनो का हिसाब करूं मैं तो करोड़ों में, करोड़ों में इतना हारा हूं मैं, और वो खेलने देते थे, खुद मेरे साथ खुद भी खेलते थे, उनकी बायोग्राफी में भी है मेरा ये जिक्र, जो मैंने 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 जो बोला है। तो वो रिश्ता था नहीं सर हमारा, एक म्यूजिशियन एक सिंगर का रिश्ता नहीं था, एक दोस्त, मेंटर, बाप, भाई, सुख दुख का साथी, और चित्रा आंटी भी वैसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे याद है मेरा स्लिप डिस्क हुआ था तो रात रात भर जगती थी वो मेरे लिए टूर पे। तो जो अच्छी चीज़ है वो हमेशा याद रखनी चाहिए लोगों की, और ये तो मेरा सपने तजुर्बा में है। आते हैं अभी, सपने में आते हैं अभी जगजीत सिंह कभी कभी? सपने में क्या, वो डेली साथ ही रहते मेरे, एवरी डे ही वो ही, मैं उनके आगे वाज कभी नहीं लगाता, ही इज ऑलवेज देयर, ही इज देयर विथ मी, ट्रस्ट मी। तो अब अभी वो क्या सिखाते हैं? अभी वो, अब उन्होंने डांटना वाटना शुरू किया है या अभी भी आप लोग का हंसी मजाक ही चलता रहता है? सर क्या बताऊं आपको, मैं लास्ट गजल जब चलती होती थी ना, चल रही होती थी कॉन्सर्ट में, लास्ट सेकंड लास्ट, उससे पहले आंखों आंखों में बात हो जाती थी, किसके रूम में बैठना है, क्या मटेरियल आया है, कौन सा ड्रिंक है। हाँ नॉक नॉक कर दो, ये कर दो, एक आदमी जाकर के सब ऑर्डर करके सेट करके रखता था। मतलब प्रोग्राम के बताऊंगा आपको मैं, वो जो डे वन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि अपने लिए बजाना, अपने लिए गाना, अपने लिए म्यूजिक करना, ये मुझे सच्ची बता रहा हूँ, ये कुछ कुछ सालों से मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि इसका मतलब क्या है। वो कहते थे ये जो टिकट लेके आते हैं ना, 78%, 80% जो टिकट लेके आते हैं उनको कोई म्यूजिक से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए कि ओ यार लास्ट नाइट वी वेंट टू आई जगजीत सिंह वॉज देयर, सॉन्ग्स, आई दैट वॉज वाज देयर। नाइस, ही वाज देयर। तो मेरे को बाउंसर था वो सब चीजें, बोले वो जो धक्का मुक्की करके बैक स्टेज से जो आते हैं ना लोग, वो सही सुनकार होते हैं, उनको कदर होती है, और खास करके जो फ्रंट चार रो में बैठे होते हैं ना, उनको तो म्यूजिक से कोई मतलब ही नहीं होता, नॉर्मल ऑडियंस बोल रहे हैं, कलाकार नहीं, नॉर्मल ऑडियंस बोलते। तो ये चीज़ा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, ये कोशिश करता हूँ कि अपने इस जीवन में वैसे ही चलती रहे, और वो ही उसको मैं चेंज तो नहीं कर पाऊँगा। एक समय था कि बड़ा शौक था मुझे कि एज ए कंपोज़र काम करूँ, बहुत शौक था, वो नशा ऐसा उतरा मेरा कि पूछो मत, ऐसा उतरा मेरा नशा भाई साहब कि पूछो मत। तो जगजीत अंकल ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, लेकिन वो जानते थे कि इस रास्ते पे इसको चलने दो, इसको मज़ा लेने दो, थोड़ा पता चलेगा तो फिर वापस आएगा। तो उन्होंने, उनके सर्कल में तो खैर कौन नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कुछ बड़े लोगों को उन्होंने बोला कि बड़ा अच्छा काम करता है, इसे कराओ। पहुँचा मैं, म्यूजिक सिटिंग हुई, तो जो डायरेक्टर साहब थे, एक बार और गाओ, क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइसली रिटन एंड वेरी वेल कंपोज, सब कुछ हो गया। एक बार गा दी, दो बार गा दी, तीन बार गा दी, चार बार गा दी, अभी गला दर्द होने लगा। अच्छा मेरा वो नहीं है कि सिटिंग मतलब आप 40 म्यूजिशियन ले जाओ, वो मेरा तामझाम नहीं है, सिटिंग मतलब आपको कंपोजिशन सुननी है, वर्ड सुनने, वो हारमोनियम पे सुनो आप, वो उसके लिए तामझाम नहीं चाहिए,
मैं इस तरीके से करता हूँ, तो खैर अब तो वो भी बंद कर दिया, अब तो ये है ये लेके जाओ। एनीवेज तो अब कोई चाय लेके आया तो उसको बिठा दिया, हाँ एक बार फिर से गाइए, तो एक्साइटमेंट फिर से गाया, फिर एक कोई फाइल लेके आया तो हाँ एक बार और गाइए, उसको बिठा दिया, फिर कोई फ़ोन लेके आया उसको बिठा दिया, तो मैंने बोला अभी साहब ऐसा है कि मेरे गला थक गया अभी मेरा, आपको जितने लोगों को बुलाना है एक साथ बुला लीजिए, मैं फिर से गा दूँगा, बट अभी मैं मेरा गला बंद हो रहा है। नहीं आप समझते नहीं है, जनता जनार्दन होती है, जब आप गाते हो तो मैं इनके रिएक्शंस देखता हूँ कि इनका रिएक्शन क्या है। मैंने आपको पता है ये आदमी कितना परेशान शक्ल से लग रहा है, ये जो फाइल लेके आया है, हाँ इसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या चल रही है, मेरा गाना क्यों सुनेगा ये, या इस कंपोजिशन को क्यों सुनेगा वो, ये डिसीजन आपका है, आपको कैसा लगा? बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को पब्लिक का वो रिएक्शन देखना है कि उनको उनको कैसा लग रहा है। तो मैंने एक काम करिए, आप शिवाजी पार्क में मेरा एक प्रोग्राम रख लीजिए, 75,000 लोगों को बुला लीजिए वहाँ पर और सबके रिएक्शन देखिए, उसके बाद फिल्म करेंगे। तो वो भड़क गए, मेरे पे भड़क बहुत गुस्सा हो गए। बोले आपको बात करने का तमीज़ नहीं, वो बात करने की तमीज़ की बात नहीं कर रहा मैं सर, मैं आपको बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, आपको ठीक लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो फिर ख़त्म करिए ना। आप 10 लोगों को पूछेंगे वो कुछ पीछे चाय लेके आया उसको क्या म्यूज़िक से मतलब है, नहीं यही लोग तो खुश होने चाहिए, तो मैंने इनके लिए फिर ऐसा म्यूज़िक बनाओ, आप लाल टमाटर टाइप का म्यूज़िक बनाओ, है ना, फिर ऐसा मत सोचो ना कि सूफीज़म होना चाहिए, होना चाहिए वो मत सोचो ना, फिर उनको मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। खैर मैं बात करते करते मेरा हारमोनियम पैक करने लगा, तो ये क्या कर रहे हो, मैंने बस हो गई सेटिंग, बस कर ली फिल्म, आइंदा से मैंने बोला मैं कभी नहीं आऊँगा आपके पास, ना आपको फ़ोन करूँगा कभी। खैर फ़ोन तो मैंने किया भी नहीं था, तो जगजीत जी ने कोऑर्डिनेट किया था, गया। उससे पहले उन्होंने जगजीत अंकल को फ़ोन कर दिया था कि लड़का बदतमीज़ है और ये है वो है। अब अंकल मेरा नेचर बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता है कि क्या हुआ होगा, तभी वो मेरे को बोल रहे थे जाके देखो क्या होता है, ठीक है। तो मेरे को फ़ोन आया, हाँ भाई, मैंने हाँ अंकल हो गई सेटिंग, निकल गई सारी हेकड़ी, मैंने बस निकल गई सारी हेकड़ी, हंसने लगे, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो हर बात के बाद वापस एक बात बोलते थे कि जिस रास्ते चल रहे हो ना उस रास्ते ही चलना, भटकना मत, दुनिया कदमों में आती है तुम्हारे, अगर तुम स्ट्रांग होते हो ना और अपने काम पे तुमको अकीदा है, विश्वास है, और इसलिए मत काम करना कि इस काम से मुझे ये मिलेगा या ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, या उस वो कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। डू योर वर्क प्रॉपरली, जो तुम्हारी औकात है, जितना तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है चीज़, वो निकाल दो अपने अंदर से, समय को मत देखना कभी, घड़ी मत देखना काम करते समय। तो ये ऐसा बचपन से बैठा है पिताजी की तरफ से भी, मम्मी की तरफ से भी, जगजीत अंकल की तरफ से भी, कि मैं कितनी बार मैं मेरे जो साउंड इंजीनियर हैं सेतु रमन जी, एक टाइम था कि हम सुबह 11-12 बजे काम शुरू करते थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6-7 बज जाते थे और पता नहीं चलता था कि सुबह के 6-7 बज गए। कितनी बार मैं स्टूडियो में सोया हूँ, महीनों स्टूडियो में सोया हूँ, मैं घर जाता ही नहीं था। ये पागलपंती ज़रूरी है सर, पागलपंती नहीं, ये पैशन, मतलब आपको बे इंतहा इश्क होना चाहिए अपने काम से। मैं यही जानना चाह रहा हूँ दीपक भाई, कि अगर आपके बारे में कोई जाके गूगल पे पढ़ेगा या आपके कुछ इंटरव्यूज यहाँ वहां से ढूंढना शुरू करेगा तो कई जगहों पे आपके नाम के पहले ये लिखा होगा कि ये भारत के सबसे अच्छे वायलिन बजाने वाले कलाकार हैं। अब मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है, सवाल मेरा ये है कि जब इस तरह की बातें लोग कहते हैं आपके साथ, लेकिन आपके मतलब कलाकारों के लिए जो सबसे प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार माने जाते हैं, चाहे वो पद्मश्री हो या इस तरह के जितने भी सम्मान होते हैं जिसके बाद ये कह सकते हैं कि कलाकार की एक छवि बन जाती है कह लें, तो आप अभी तक उन पुरस्कारों तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या आपको लगता है कि उसकी वजह ये जो आपका बर्ताव रहा या जो ये आपकी नाराजगी रही या जो आपने ये सो कॉल्ड आप जिसको कहते हैं कि एटीट्यूड दिखाया, क्या कहीं ये बाधा तो नहीं बन रहा है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको कि एक तरफ आपके बारे में लिखा जाए कि आप भारत के सबसे अच्छे वायलिन बजाने वाले हैं, लेकिन अगर कोई आपको अवार्ड की कसौटी पर तौलने बैठे तो शायद उसको कुछ नहीं मिलेगा? बड़ा डाइसी सवाल है ये, बट मैं बताऊंगा आपको, 100% बताऊंगा जी। देख
इसमें क्या है कि मैं इससे थोड़ा सा रिवर्स जाता हूँ, रिवर्स। मैंने 2015 में मैंने डिसाइड किया था, और वो मेरा जो मैं डिसाइड करता हूँ वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं कभी हिंदुस्तान में कोई भी फिल्मी जो अवार्ड नाइट्स होती है या कभी भूले भटके कोई अवार्ड अगर मुझे मिलेगा तो मैं कभी नहीं जाऊँगा। वो कोई भी अवार्ड हो, कोई भी टाइप का फिल्मी अवार्ड कोई भी हो, आई हैड ए वेरी बैड एक्सपीरियंस। एक बहुत नामचीन अवार्ड फंक्शन होता है, मैं और मेरी वाइफ को पहले फ़ोन आता है कि आपका, मेरे को बोला कि आपका जो एल्बम है वो नॉन फिल्म कैटेगरी में वो है, और उसको मैंने बोला मैं आऊँगा अगर मुझे मिल रहा है तो आऊँगा मैं, नहीं तो नहीं आऊँगा। बोला नहीं मिल रहा है, और आपको हम अपना दो या चार आपको कितने वीआईपी गोल्ड कार्ड, मैंने गोल्ड क्या होता है, वीआईपी सुना था, गोल्ड कार्ड क्या होता है, बोला गोल्ड मतलब आगे वाली सीट। तो मैंने आगे पीछे क्या फ़र्क पड़ता है, बैठना है और क्या, अवार्ड लेके जाना है, ख़त्म बात। तो उन्होंने गोल्ड कार्ड दिए मुझे दो, तो मैं और मेरी वाइफ गए थे उस अवार्ड फंक्शन में, सो कॉल्ड अवार्ड फंक्शन। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत सदमा लगा, हमारे हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी विभूतियाँ जो 12वीं 13वीं रो में बैठे हुए थे, और जो अभी निकले हैं सब अच्छे हैं, ऐसा मैं किसी का वो नहीं कर रहा, उनका कोई कसूर नहीं, वो लोग सब फ्रंट रो में बैठे हुए। तो मैं उठ के उनके साथ बैठा पीछे, मेरी वाइफ को मैंने बोला तुम यहीं बैठो, मैं उनके साथ पीछे बैठता हूँ। पहले तो वहीं पे मेरे को झटका लगा, फिर सर वहाँ पे ये हो रहा था कि कौन अवेलेबल है, कौन आया है। तो जो आया है बड़ा पर्सनैलिटी, जो सेलिब्रिटी है या जो भी है, सेलिब्रिटी तो हर चीज़ हर फील्ड में ही है, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ हाथों हाथ चेंज हो रहा था मामला कि इसने फ्री में परफॉर्म किया है, इसको मिलना चाहिए, इस कैटेगरी में इसको अवार्ड दे दो, ये आया तो। अब वो मेरा एल्बम वो म्यूजिकली भी बड़ा रिच था, और अपना उसकी फिजिकल सेल भी बहुत थी, उस समय सीडी का दौर था, और डिजिटली भी काफ़ी वो मतलब बिका है, जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मतलब 23 घंटे में वो एल्बम कुछ नंबर वन पे था रिलीज होने के। एनीवेज तो वो मेरे को नहीं मिला, मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है कि मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे एक चीज़ की बड़ी संतुष्टि हुई, और मैंने एक सीखा उस चीज़, उस दिन सीखा मैंने कि हिंदुस्तान में खास करके ये जो फिल्मी कार्यक्रम होते हैं, जो फिल्मी अवार्ड्स होते हैं, उसमें मैं, उसके बाद मुझे कुछ कुछ आए, फ़ोन आए कि आपका ये गाना उसमें नॉमिनेट, मैंने आपको जिसको देना है दे दीजिए, मैं तो नहीं आऊँगा, और कभी भविष्य में लाइफ में मैं अवार्ड के पीछे नहीं भागता। मेरा अवार्ड बताऊँ क्या है, आप हो मेरा अवार्ड, जो आप मेरे से इतने घंटे से बात कर रहे हो, आप म्यूज़िक को समझते हो। मेरा अवार्ड है कि पंडित रविशंकर जी आकर के, अभिनव जी के साथ आकर के मुझे बुला करके मेरा माथा चूमा, वो मेरा अवार्ड है। मेरा अवार्ड है कि लता जी, लता दीदी ने उनकी कंपनी से अपना मेरा एल्बम लॉन्च किया, क्लासिकल का वायलिन सोलो का, और अपने हाथ से लॉन्च रिलीज़ किया एल्बम, वो मेरा ग्रैमी, मेरा सब कुछ है वो। हाँ, ये मेरा अवार्ड है कि जो ऑडियंस प्यार से सुनती है, वो मेरा अवार्ड है। तो बात रही पद्मश्री की या इसकी, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो भी डिसीजन मेकर, जो भी जो जूरी में हैं, या मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, या तो उनको म्यूज़िक पता नहीं है शायद, या उनको म्यूज़िक की समझ नहीं है, या उनको ये नहीं पता कि कौन किस लेवल का काम कर रहा है। तो ये सारा लॉबी है सर, ये एक बड़ी लॉबी है। तो ये आपकी अगर मिनिस्ट्री में या कहीं अच्छी पहचान है तो आपको पद्मश्री मिल जाएगा, या पद्म भूषण भी मिल जाएगा, या भारत रत्न भी मिल जाएगा, यू नेवर नो। ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो, जिनको सीधा स्ट्रेट अवे जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए सीधा, ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं, लाइक इलैयाराजा सर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और कोई डिसिप्लिन नहीं रहा सर, और ना इस अवार्ड की वैल्यू रही है। आज बहुत सारे कलाकार हैं, शंकर जी को बहुत लेट मिला, सुरेश वाडेकर जी को बहुत लेट मिला, उनसे पहले जिनको मिला, आपको भी पता है मुझे भी पता है, जो मुझे पता नहीं डिजर्व करते कि नहीं करते, लेकिन उनको बाद में मिलता तो अच्छा रहता। आज की तारीख में
क्लासिकल गाने वाली, हाँ फीमेल आर्टिस्ट क्लासिकल जिसको बोलना चाहिए कि एक अलग लेवल पे ले गई हैं कौशिकी चक्रवर्ती, मेरे हिसाब से उनको तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हाँ कुमार बोस जी हैं, हाँ सपन चौधरी जी हैं, और काफी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं सर, अभी नाम गिनाने जाऊंगा तो मतलब वो यहाँ इस कंट्री में क्या है, मरने के बाद ही आपको पूजा जाता है, या आप खरीद लो अवार्ड, या खरीद लो, या आप मर जाओ उसके बाद आपका स्टैचू बन जाएगा, ये हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ में कोई दिलचस्पी मेरे को डे वन से नहीं रही, और जब इस चीज़ की गंदगी पता चली कि ये तो बड़ा ही दलदल है ये तो यहाँ से ध्यान ही हट गया, बिल्कुल ध्यान कभी था भी नहीं पहले भी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। कि एक आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो तो उसका एक मज़ा होता है कि यार मैं ये चीज़ रिसीव करने जा रहा हूँ, मुझे इस लायक समझा। अभी तो क्या हो गया कि आप अच्छी पहचान है आपकी, कर दो तीन चार फोन लगा दो, तो एक दो साल में जैक लग जाएगा आपका, तो वो नहीं चाहिए सर, वो वैसा नहीं चाहिए काम, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा दीपक भाई, वो एक मुनव्वर राणा साहब का शेर है, जी जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, और मैं आपके इस फैसले का सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि जो भी हम लोगों ने इतनी लंबी बातचीत की उसमें ये तो समझ में आ ही गया कि आप अपने अपने उसूलों पर आप बिल्कुल खड़े रहने वाली बात है, तो एक बड़ी दिलचस्प सी बात है। और उससे मैं आता हूँ अभी, मुनव्वर राणा साहब का एक शेर याद आ रहा है, और शेर है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। तो ये जो आपका इश्क है, यानी जो आपका वायलिन है, ये बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हो, जो लोग हम लोग को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा वायलिन का है, तो ये क्या इश्क, आप अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए जैसा मामला है कुछ। सर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि मेरे दोनों तीनों वायलिन जो हैं वो स्टूडियो में है, लेकिन मैं आप सबसे जितने दर्शकगण हैं उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सिलसिला यहां ख़त्म नहीं हुआ, एक एपिसोड पूरा प्लान करेंगे जिसमें मेरा वायलिन भी साथ में होगा, और वो मैं मेरे भैया के साथ फिर से करूंगा, तो वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं सर। और रहा सर कि एक दिन ऐसा नहीं होता कि इंस्ट्रूमेंट ना खुले और रियाज ना हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है इस जन्म में, तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वही एक सहारा है, वो सहारा हो भी नहीं, लेकिन हमको खुद को अंदर से वो घुटन होती है कि अगर एक दिन संगीत ना हो या एक दिन रियाज ना हो, म्यूजिक ना हो, तो अजीब सा लगता है। तो बस कोशिश करता हूँ कि अपना काम लाइफ में जितना बड़े बुजुर्गों से सीखा है, अपने पिताजी से, ताऊ जी से, अपनी माता जी से, सभी से सीखता हूँ मैं। तो एक और चीज़ मैं आपको सर बताना चाहूँगा, ये जो मेरा फिल्मी भूत था ना, ये फिल्मी भूत ऐसा उतरा मेरा कि मैंने कसम खाई कि मैं कभी जिंदगी में फिल्म का म्यूजिक नहीं करूंगा, एंड ऑफ द डे मुझे म्यूजिक करना है, तो मैं फिल्म का म्यूजिक क्यों करूं भाई, मैं अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक करूं, और इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो अब ये हिंदुस्तान में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये पहले से ये रिवायत शुरू हो गई। ये चीज़ मुझे जगजीत अंकल बताया करते थे जब वो बड़े फेमस थे एक टाइम पर, कि फिल्मी लोगों के घर में पार्टीज होती थी, उसमें वो घंटों घंटों गाया करते थे, वो चित्रा आंटी भी कितनी बार होती थी, इसलिए करते थे कि उनको कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर बोल दे कि एक फिल्म का गाना तुमको हम देते हैं, तो वो मुझे बोलते थे कि जहाँ उम्मीद होती है ना, और जहाँ आप फ़ोन करते हो या जहाँ से कोशिश करते हो कि इधर इसको मिल लूँ तो ये काम हो जाए, वहाँ आपको ज़िंदगी में काम नहीं मिलेगा, काम आपको अलग से मिलेगा, और काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोचना बंद करो। तुम कुएं में भी बैठोगे ना और तुम्हारा काम पक्का होगा, ये मोबाइल वोबाइल तो अभी भी है, सोशल मीडिया ये वो सब कुछ, कुछ सालों से ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जिनको लोग घर से पकड़ के लेके गए कि नहीं आप ही चाहिए, बिल्कुल, आपको भी पता है, आपका काम स्ट्रांग होना चाहिए, आपका काम स्ट्रांग होना चाहिए, कोई परफेक्ट लाइफ में कोई नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं, सब में खामियां हैं, सब में खूबियां हैं, वो ऐसी खूबी है कि वो उसी में, लेकिन जो आदमी इनसिक्योर अपने आप को इनसिक्योर फील करता है ना कि अरे यार ये चीज़ में अगर यहाँ इसको उस समय मिल लेता तो मेरा ये काम हो जाता, ये तो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आपको इस महीने में आपको इतना पैसा आना है, वो कैसे भी आना है, वो आप अपना खुद अपने सोलो कॉन्सर्ट करके कर लो, या किसी के साथ संगत करके कर लो, या किसी और के साथ बजा के कर लो, या जैसे भी, वैसे ही डेस्टिनी है, ये मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन आप अपना जो कर्म है, कर्म कार्मिक जिसको बोलते हैं, अपना उठ के अपने मेहनत करना, अपना रियाज करना,
हाँ अपना अगर कुछ काम आ रहा है तो उसको समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो ना करो, ना बोलना एक बहुत बड़ा आर्ट है सर। तो मुझे अभी भी आते हैं, अभी भी आते हैं मेरे को काफी सारे ऑफर्स आते हैं फिल्म के म्यूजिक के लिए, अब तो नहीं आते खैर, क्योंकि वो जो तीन शर्तें हैं वो मानने के लिए कोई तैयार नहीं है इंडस्ट्री में। वो तीन शर्तें ये हैं, मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ आपको कि बिल्कुल जो जो भी मैं कंपोज करूंगा, आप सिटिंग कर लो मेरे साथ, मुझे स्क्रिप्ट भेज दो, सिनॉप्सिस दे दो, सिनॉप्सिस देने के बाद जो सिचुएशन आपने मार्क की उस पर डिस्कस करो, एक साल क्या तीन साल डिस्कस करो। मैं बोलता हूँ मैं जितनी मैंने जितना मैंने सीखा है मैं उसको बैठ करके 10 चीजें कंपोज करके मैं एक चीज पे फाइनलाइज करता हूँ, करेक्ट, ठीक बात है ना। अब यहाँ पे क्या चलन हो गया है कि आप ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन ऑप्शंस बनाइए, 30 गाने बनाइए, 8 गाने बनाइए, 12 गाने बनाइए। अरे भाई क्यों बनाए भाई, जब पहला ही अच्छा है तो क्यों बनाए, नहीं ऑप्शन बनाइए ना। अच्छा ऑप्शन बनाते हैं, चलिए आप मुझे वैलिड पॉइंट बताइए क्यों ऑप्शन चाहिए आपको। आप अगर ऐसे विद्वान हो कोई लोग कि बोले कि यार मेरा सुबह का मूड है तो उसमें तू कुछ अपना ललित में कुछ कंपोज कर, ऐसे तो लोग हैं नहीं कोई, ठीक है ना, हैं तो वो किसी और कारण से घिरे हुए हैं, उनको किसी और की सुननी पड़ती है। तो किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर है। मैं प्रेशर रिलीफ काम करना चाहता हूँ और वो मैं कर रहा हूँ, मैं फिल्म का नहीं कर रहा, अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहा हूँ। तो मेरी तीन शर्तें जो हैं कि मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, एक कंपोज एक गाना बनाया मैंने वो ही जाएगा, उसका अरेंजमेंट आप डिस्कस कर लो क्योंकि सिनेमा है तो उसके उनके अनुसार आपको चलना पड़ता है, वो कर लो आप डिस्कस, उसके बाद आप सीधा स्टूडियो आइए, मास्टर लेके जाइए। अगर मेरा टेम्पो 89 है तो 89 रहेगा, वो 90 नहीं होगा। और लिरिसिस कौन लिखेगा वो मेरा कॉल होगा। हाँ अगर आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि यार ये अच्छा है एक बार ट्राई करो तो डेफिनेटली करूंगा मैं, अगर मेरी नॉलेज में है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। अच्छे सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। अभी यार इस सिंगर से ट्राई करते हैं, उस सिंगर से ट्राई करते हैं। अरे आलू भाजी सब्जी है क्या, ट्राई करते हैं। हाँ हर सिंगर का अपना एक मयार होता है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक गला होता है, अपना एक स्केल होता है, अपना एक टेम्पो होता है, एक पेस होता है हर सिंगर का। आपने ट्रैक बना दिया है, आप किसी भी सिंगर को बुला के डब करा रहे हो और बोल रहे हो ये अच्छा नहीं गा रहा या अच्छा नहीं गा रही, आपने उसको पूछा कि तुमको गाना है तो उसके स्केल डिसाइड करो ना पहले, उसका टेम्पो डिसाइड करो, उसका स्केल डिसाइड करो। सही। आज 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 फॉर एग्जांपल आप नरेंद्र चंचल जी को एक बात बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बुरा मानने वाली बात, नरेंद्र चंचल जी हाई पिच रेंज है, आप उनको खर्च के नोट पे गवाओ, चलेगा नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। तो अभी क्या हो रहा है ना कि वो चला गया टाइम। मेरे को कितने लोग बोलते हैं कि यार पुराने गाने आज भी मतलब पंचम दा के, एस डी बर्मन साहब के, सलील चौधरी साहब के, खयाम साहब के, ये सारे मेरे फेवरेट हैं, मदन मोहन साहब के, वो सब इंट्रोड्यूट के साथ बायहार्ड है क्योंकि वो लोग जिए हैं सर, उन गानों के साथ जिए हैं, महीनों महीनों रिहर्सल होती थी, एक एक म्यूजिक जो पर्कशन प्लेयर है ना उसको भी पता है कि यहाँ पे ए एक्स्ट्रा छक छिक नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। हाँ सिंगर अलर्ट हैं, सबको पर्चा कोई नहीं देख रहा। अभी तो गाना रिलीज होता है तो पता चला अच्छा ये गाना डुएट था क्या, तुमने भी गाया था क्या, अच्छा ये गाना मैंने बजाया था क्या। आप जीते नहीं ना गाने के साथ, आपको आया आपको 16 बार बजाना है या ये गाना है ये गा दो, यू ट्रैक बजाया हुआ है कीबोर्ड पे, आपको उस गाने का कोई आप घुसा ही नहीं, आपके अंदर दिल में ही नहीं घुसा, आपको पर्चा देख के आप गा रहे हो, वो मैकेनिकल होना ही है सर। बाकी बेड़ा गर्क कर रखा है मेलोडाइन ने और एंटारेस ने कि हर कोई सिंगर है, अभी तो पता हाँ ट्यून कर लेना, कितने सिंगर बोल के हाँ ट्यून कर लेना, कहाँ से असर पैदा हुआ, असर होगा ही नहीं, इसलिए असर नहीं आज के काम में, बिल्कुल असर नहीं है। और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, सॉरी आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक पहले से शुरू हो चुका है। जगजीत अंकल ने देखा कि यहाँ दाल निकलने वाली फिल्म इंडस्ट्री में, अपना कुआ खुद खोदो अपना पानी खुद पियो, उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, अपने लाइव कॉन्सर्ट शुरू किए, एक जगह बना ली। हाँ हिंदुस्तान में जगजीत अंकल, पंकज दास जी, इन लोग के पीछे इंडस्ट्री भागी है सर, इन लोग इंडस्ट्री के पीछे नहीं भागे, तो ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही तो है और क्या है। बिल्कुल। और भी कलाकार हैं, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैं गजल की बात कर रहा हूँ, जो जगजीत अंकल, पंकज दास जी ने जो अपना एक जो स्टेटस और एक जो चीज को मेंटेन किया। मुझे पंकज जी से कितनी बार मेरी बात होती है, आज कितनी बड़ी बात है कि उनके गाए हुए गजल या गीत वो मैक्सिमम जो फिल्में बनी है वो उनके ऊपर पिक्चराइज हुई सर,
वो सिचुएशन क्रिएट किया डायरेक्टर ने, इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। तो उनको ऑफर्स भी आए कि आपको लेके हम फिल्म बनाना चाहते हैं, म्यूजिकल सब्जेक्ट है, लेकिन वो कभी नहीं उस चीज से हिले, नहीं भैया मैं अपना मैं गाने तक ठीक हूँ, मुझे इसमें मैं खुश हूँ। तो फोकस अभी क्या होता है कि जो अभी के मैं कलाकार देखता हूँ, अच्छा काम करंट टाइम में ये चल रहा है, कैन यू हियर मी? या उनका क्या है कि करंट टाइम में ये चल रहा है तो ये करेंगे तो हिट हो जाएंगे। अभी क्या चक्कर हो रहा है कि हिट कैसे हो, उनको ये नहीं देखना है कि मेरी जो मेरे अंदर जो बेस्ट क्वालिटी है वो मेरी वॉइस गजल के लिए है या प्लेबैक के लिए है, या वो अपना हर दिन मूड चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ये सिनेरियो टाइम के हिसाब से कि आज का करंट टाइम ये। अरे यार मेरे पास आते हैं लड़के लड़कियों के वो मैसेजेस आते हैं, गाने भेजते हैं वो लोग कवर वर्जन अरिजीत सिंह जी का या श्रेया घोषाल जी का या सुनिधि चौहान जी का या इन लोग का। तो मैं बोलता हूँ भैया मैं तुम लोग को क्यों सुनूं, तुम उन जैसा गाते हो तो मैं उनको ही बुला लूंगा ना अगर मुझे जरूरत होगी तो। अपनी अपनी पहचान तो बनाओ, अपनी पहचान बनाने के चक्कर में ये लोग कोई नहीं है। दो गाने सीख करके आप रिकॉर्ड पे दो गाने सीख करके तो सिंगर बन जाते हैं, कितने लोग हैं ऐसे। तो इसलिए असर नहीं है काम में, ये एक बड़ा रीजन है। वो राजशेखर है हमारे मित्र, गीतकार है फिल्मों में, तो 2-3 साल पहले एक दिन ऐसे बात हुई थी तो कहने लगे कि भैया आजकल हर दूसरा आदमी फोन करके कहता है कि मौला लिख दो, तो बोले मैंने हाथ जोड़ लिया कि मौला नहीं लिख सकता हूँ, बाकी चाहे जो लिखवा लो, क्योंकि वो ट्रेंड था उस समय फिल्म में मौला पे गाने चल रहे थे शायद। खैर दीपक भाई बातचीत को खत्म करें, और जो ये शानदार सफर आपका, आपके पिताजी, आपके ताऊ जी का, आपके परिवार का, आपकी थोड़ी बहुत शैतानियों का, बदमाशियों का और संगीत साधना का सुना, बड़ा आनंद आया। लेकिन आप हारमोनियम लेके बैठे हुए तो वायलिन ना सही, लेकिन कुछ तो, और चूंकि आपने गायकी सीखी भी है तो वो चंद चीजें जो आप सुनाना चाहते हो, जो आपके दिल के बेहद करीब हो, वो भी सुनेंगे हम। और उसके बाद फिर जैसा आपने वायदा किया है वो वायदा एकदम याद रखिएगा, जब वायलिन के साथ एक बार बैठना है। जरूर जरूर जरूर, तो कुछ आप जरूर अभी सुनाए और फिर उसके बाद आपको सजदा एल्बम से एक गजल, क्या बात जो लता जी ने और जगजीत जी ने गाई थी। हारमोनियम लाउड तो नहीं, हारमोनियम नहीं। बहुत देर बात की ना तो अभी गला थोड़ा थक गया है। मेरे कलम पे ज़माने की गर्द ऐसी
मेरे कलम पे जुनून देख ले मेरे कलम पे जुनून कर दिया कि अपने बारे में कुछ भी न लिख सका यारो कि मैं जमीन के रिश्तों से कि मैं जमीन के कट गया यारो मिली हवा सजा यारो इसी में एक बड़ी प्यारी चीज है जो मेरे दिल की बेहद करीब है. एक सेकेंड ना, गिव मी वन मोमेंट. श्योर. हाँ, इसी से सेम मूड है तो देखिए. फिर उसी राह गुजरता शायद फिर शायद फिर सीरा शायद हम कभी मगर शायद फिर उसी राह गुजरते शायद जो भी बिछड़े जो भी बिछड़े वो कब मिले फराज जो भी बिछड़े वो कब मिले फिर भी तू क्या बात है. मैं मुझे ऐसा लगता है कि गुलाम अली साहब इस गजल को जब गाते हैं तो उससे पहले ये बताते हैं कि लिखी कंपोज करने के लिहाज से बहुत टफ गजल है. मतलब आपने जो वर्जन गाया संभवतः ये गुलाम अली साहब वाला नहीं है, लेकिन ये शायद पर जब नहीं ये जगजीत जी वाले भाई, इसीलिए मैंने कहा कि ये जगजीत सिंह की जी की उन गजलों में से है जो शायद उतनी ज्यादा लोगों ने नहीं सुनी. अगर उस तरह से मंच पे उन्होंने बहुत ज्यादा शायद नहीं गाई, लेकिन गुलाम अली साहब गाते हैं तो वो हमेशा बताते हैं कि गजल कंपोज करना बहुत मुश्किल था, इसलिए क्योंकि लास्ट में शायद शब्द को कंपोज करना शायद आप बेहतर समझते होंगे मेरे ख्याल की बात को. इसी मूड में, इसी मिजाज, इसी रंग में, इसी राग में जी बिछड़े के भी खान साहब की, गुलाम अली साहब की. मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ, सच मेरी उनसे बात होती रहती है, कभी कभी मुझे फोन करते रहते हैं, कभी मैं उनको फोन करता हूँ. और देखिए इन लोग के काम में क्यों असर है, मैं ये अच्छा हुआ ये जिक्र निकला.
हमारी जब बात होती है फोन पे, वो पहले हालचाल पूछा 4-8 सेकंड, उसका देख मैंने ये नया कंपोज किया, सुन कैसा लगता है। सर ये पैशन जो है ना, ये अंदर ये आग, ये देखने को नहीं मिलती अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिछड़े बिछड़े के भी मुझे तुझसे, बिछड़े के भी मुझे तुझसे, ये बदगुमानी कि मेरी याद कभी तो तुझे भी आनी है, बिछड़े। बहुत 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 मजा आया। बिल्कुल दीपक भाई, बहुत मजा आया। और जैसा मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने शुरू में एक बात बता दी थी कि लॉकडाउन का आपके ऊपर कोई असर बड़ा पड़ा नहीं है, आप अभी भी वैसे ही व्यस्त हैं, तो इसलिए मैं फिर से आपसे बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भूलिएगा नहीं, वॉलेट के साथ एक दिन बैठना है। और जो भी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके अंदर वो जो, जिसको शायद आप कहते हैं कि वो आपका अखड़पन था, लेकिन मैं तो संगीत प्रेमियों की तरफ से ये दुआ करूंगा कि आप जैसे कुछ और अखड़ संगीतकार आए, आप जैसे कुछ और अखड़ कलाकार आए, ताकि जो हमारी ये कला है, इसकी जो ये इसका जो सम्मान है, इसके जो संस्कार है, वो न सिर्फ कायम रहे बल्कि वो बचे रहे, और उन्हीं उन्हीं उसी खूबसूरती के साथ बचे रहे जिस खूबसूरती के साथ हमें बड़े बुजुर्ग हमारे देकर गए थे या हमें सौंप कर गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे रागगिरी के मंच पे इनवाइट किया, मुझे बुलाया। थैंक यू, प्लेजर 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 टॉकिंग टू यू, सीरियसली थैंक यू सो मच। आई होप टू, बहुत आई डेफिनेटली विल मीट सून। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।